हे गाइस, बात करें गुरमीत और कृतिका की जोड़ी को लेकर। ये जोड़ी आपको देखने को मिली थी पुनर्विवाह शो में। फर्स्ट टाइम ये जोड़ी आपको देखने को मिली थी, जो कि जी टीवी का शो रहा था पुनर्विवाह, जहाँ पर यश और आरती के कैरेक्टर में दोनों देखने को मिले थे। लोगों की नज़र में ये जोड़ी आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब नंबर वन पर बोली जा सकती है, क्योंकि जो फैंस है ना वो बहुत ज़्यादा इस जोड़ी को पसंद करते हुए नज़र आए थे। और यही वजह है कि वो फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं कि शो का सीज़न 3 आना चाहिए। सीज़न 3 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सीज़न 2 शो के लीप के बाद तुरंत स्टार्ट किया गया था एक नई स्टोरी के साथ में, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। 5 से 6 महीने तक ही ऑन एयर रहा था करीबन, और शो ऑफ एयर चला गया था, जहाँ पर रूबीना दिलेक देखने को मिली थी, पर उस टाइम पर रूबीना की इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी थी नहीं। सो फ्लॉप गया था और उसके बाद शो ऑफ एयर चला गया था। सीज़न 3 की डिमांड तब से लेकर अब तक लगातार चल रही है। लोग गुरमीत और कृतिका को एक साथ देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी देखना यह है कि किस तरीके से इन दोनों की जोड़ी साथ में देखने को मिल पाएगी। लगातार जो फैंस की एक्साइटमेंट है वो कब पूरी हो पाएगी। हालांकि ये बात तय है कि आपको इस शो का सीज़न 3 जो है OTT के जरिए अगर देखने को मिलता है, तो फिर डेफिनेटली जोड़ी आपको साथ में दोबारा देखने को मिल पाएगी। अदरवाइज डेली शो के जरिए आता है तो रिप्लेसमेंट तय है, क्योंकि यहां पर यश का कैरेक्टर दोबारा प्ले करने के लिए गुरमीत चौधरी टीवी पर कमबैक नहीं करने वाले हैं। और कृतिका की बात करें तो वो फिलहाल उनको लेकर बातें जो सामने आई हैं कमबैक करने के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन वो भी कुछ समथिंग डिफरेंट करना चाहेंगी। सो यही वजह है कि डेली शो का हिस्सा शायद वो ना बनना चाहें, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहेंगी ऑब्वियसली। तो यही वजह है कि इन दोनों को ही अगर मेकर्स लेकर आना चाहते हैं तो फिर OTT के ज़रिए इनको लेकर आना बहुत ही अच्छा मौका है कि एक बार फिर से पुनर्विवाह शो का सीज़न 3 लेकर आ जाए मेकर्स। अभी देखना ये है कि क्या कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। इस डिमांड के चलते ही इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी साथ में देखने को मिल पाएगी। अब जो भी होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक्साइटमेंट कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।